ओपिनियन, जजमेंट, डिसीजन, संचालक, स्टैंड, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरों के सामने सही साबित करना, आज का एपिसोड इन सब पर खरा साबित हुआ। आज सिद्धार्थ शुक्ला सही थे या हिना खान, बताऊंगी आपको आज के रिव्यू में। आज क्या पवित्रा पुनिया सबसे ज़्यादा स्टाइलिश लग रही थी या फिर डिप्लोमेटिक निर्णय लेने की कंपल्शन ने जो ड्रामा पहले हो चुका था उसको रिवर्स करने या उसको उसे कहीं ना कहीं डर कर या उसके बारे में सोच कर ये निर्णय लिया गया सीनियर्स द्वारा। और इसके बाद क्या घर में रुबीना का एक हेट क्लब, रुबीना हेट क्लब तैयार हो रहा है। पहले निकी हेट क्लब था, निकी हेट क्लब में बहुत सारे मेंबर्स थे, अब रुबीना हेट क्लब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। बात करते हैं, शुरुआत बाकी किसी चीज़ से नहीं, शुरुआत इसी से करूँगी। टास्क, जो टास्क निकी और जैस्मिन के बीच हुआ, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, गजब खेली दोनों लड़कियाँ, गजब। जैस्मिन में बहुत स्ट्रेंथ है, नो डाउट, साबित कर दिया उन्होंने। निकी बहुत स्ट्रांग खेल रही हैं, निकी स्ट्रांग स्टैंड लेती हैं, जैस्मिन स्टैंड लेने में उनसे थोड़ी सी पीछे हैं, लेकिन जहाँ फिजिकल स्ट्रेंथ की बारी आती है वो स्ट्रांग दिखती हैं। आज लेकिन टास्क था अंत में जिसके बास्केट में बॉल होगा वो जीतेगा। दोनों जन ने बास्केट तार तार कर दिया, बॉल इकट्ठा करने से ज़्यादा उन लोगों ने बास्केट पे फोकस किया, बॉल सारी बिखरी हुई थी। बिग बॉस को लगता है सबसे ज़्यादा टास्क एंजॉय किया या फिर इसको ज़्यादा दिखाया गया। अब लंबा स्क्रीन टाइम, ऑलमोस्ट 10 मिनट से ज़्यादा होगा, मैंने घड़ी नहीं देखी, इस टास्क पे फोकस था। वो जो क्लाइमेक्स था, दोनों जन गुत्थम गुत्थी थे, ज़बरदस्त था, दोनों की फाइटिंग स्पिरिट नो डाउट। ऐसा खेलना, वाकई खेल देखने में मज़ा आता है, मज़ा आता है। इतने दिनों के बाद आज का खेल देख के मज़ा आया। अब सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा कि ये गेम ड्रॉ हुआ, क्योंकि गेम था कि लास्ट में जिसके बास्केट में बॉल बचेगा वो, तो बास्केट ही नहीं बची तो बॉल कैसे बचा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जब हिना खान संचालक थी, उन्होंने कह दिया, पहले एक तो कह दिया उन्होंने कि मैं बायस्ड हूँ जैस्मिन के प्रति, मैं उसको सपोर्ट कर रही, मैं क्लियरली सपोर्ट कर रही, क्लियर सपोर्ट है मेरा, ये बात कह दी। उसके बाद दोबारा उन्होंने ये कहा कि जैस्मिन के हाथ में बास्केट था और बॉल किसके हाथ में थी, किसके बास्केट में थी पता नहीं मुझे। सिद्धार्थ ने कहा तो तू क्या करने आई, तेरे को पता नहीं तो तू क्या संचालक बन रही है। साफ तौर पर अगर वो दो बास्केट फट गई, चिथड़ा हो गई थी, कौन सी बास्केट किसकी है, फोटो साइड में हो गया था, वो फ्रेम जो पूरी चिथड़ा हो गई थी, फ्रेम पूरी टूट फूट गई थी, किसकी बास्केट कौन, यानी बास्केट इंटैक्ट रखना भी टास्क का हिस्सा था। जो शब्द इन लोगों को सीनियर्स को इस्तेमाल करने चाहिए उन्होंने नहीं इस्तेमाल किए, बास्केट इंटैक्ट रह करके बास्केट में बॉल रहे तब वो बास्केट बॉल, वो बास्केट और बॉल रहता, अदरवाइज वो लोहे के सरिये के टुकड़े, वो टिन्स और थोड़ी जाली जो थोड़ी निकी के पास थी, थोड़ी जैस्मिन के पास थी और बॉल्स। तो इसमें ये गेम क्लियरली ड्रॉ था, गेम क्लियरली ड्रॉ था, क्योंकि ना तो बास्केट और बॉल जैस्मिन के पास थी और ना ही निकी के पास। अगर जैस्मिन की बात करें, जैस्मिन के अगर दोनों जो उसके टुकड़े तहस नहस थे उसमें से बॉल थी भी तो किसका बास्केट था, वो नहीं था, अपना ही बास्केट होना चाहिए। तो इस आधार पर सिद्धार्थ शुक्ला का लॉजिक बिल्कुल सही था। हिना खान ने, चूंकि बाद में हिना खान ने क्लैरिफाई किया कि कपड़े मिलने वाले थे और कपड़े निकी के पास बहुत सारे थे और जैस्मिन के पास नहीं थे, कुछ भी नहीं था, इसलिए उनको सपोर्ट कर रही थी, ये बात निशांत ने आकर के बोली। तब तक हमें दिखाया नहीं गया था, मुझे लगा निशांत झूठ बोल रहा है सो निकी को कम्फर्ट करने के लिए, लेकिन उसके बाद हिना और गौहर ने आकर के निकी को समझाया, तब उन्होंने कहा कि ये रीज़न था, निकी को शांति मिली। लेकिन बात पॉइंट ऑफ व्यू की, जो इतना ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू पे आर्ग्यूमेंट हुआ, सिद्धार्थ थोड़े ज़्यादा भड़क जाते हैं, उनकी उनका स्टाइल है, लोगों को पसंद आता है, वो उनका रियलिटी, रियल पर्सनैलिटी है, वैसा वो करते हैं। उन्होंने क्लियर कट कहा है कि मैं गेम खेलने के लिए जीतता हूँ, गेम में मैं अग्रेसिव हो जाता हूँ, बात उन्होंने सलमान खान के सामने पिछले साल अपने सीजन में कही है। आज लेकिन चूंकि गौहर और हिना को ये बात बाद में हिना ने कही भी कि दो औरतें अगर कोई निर्णय लेती हैं तो आपको बुरा क्यों लगता है, आप उसको डिफर क्यों करते हो, जब आप कोई निर्णय लेते हो और वो दो औरतें उन्हें मानती हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है। पर यहाँ पर औरत और आदमी का प्रॉब्लम, और ये तो एक बार भी मेल ईगो, सिद्धार्थ शुक्ला का मेल ईगो तो कभी दिखा ही नहीं, इनफैक्ट वो मेल और फीमेल को साथ में ट्रीट, एक जैसा ट्रीट करते थे, जो पिछले बार के सीजन में ऐसी लड़की कैसी लड़की में जो एक्सप्लेनेशन दिया था कि मेरे घर में मुझे ये डिफ्रेंशिएट करना नहीं सिखाया गया, तो वो बात
मतलब ये बात लागू ही नहीं होती मेल ईगो वाली बात, जब उसके बाद गेम होते ही रूबीना ने आकर ये कहा वुमन पावर, वुमन पावर, उस पर सिद्धार्थ ने ऑब्जेक्ट किया, पर वुमन पावर मतलब जैस्मिन जीती तो वुमन पावर हिना और गौहर ने जीता, वो वुमन पावर सिद्धार्थ के लिए था कि हिना और गौहर जीत गए सिद्धार्थ हार गया, वहाँ हमला था इसलिए सिद्धार्थ ने रिएक्ट किया। आप सब लोग बहुत सारे लोग सोच रहे कि हाँ वो तो क्या निकी वुमन नहीं है क्या, अगर जैस्मिन वुमन है तो निकी भी वुमन है, निकी क्या है, तो वो बात सिद्धार्थ के लिए और हिना और गौहर के लिए कही गई थी। उस पर ये सूडो फेमिनिज्म पर सवाल उठाए सिद्धार्थ ने, सिद्धार्थ ने कहा साफ तौर पर कि यहाँ पर वुमन पावर कहाँ से आता है, निकी क्या है, साफ तौर पर ये मुद्दा उठाया। और पवित्रा ने आकर के, पवित्रा ने तुरंत आकर के पवित्रा कूदी, पवित्रा को लगा कि उसने वुमन एम्पावरमेंट कहा है, तो यहाँ पर वुमन एम्पावरमेंट कहाँ से आया, निकी भी वुमन है। बाद में पवित्रा ने पॉइंट अपना बाग पीछे ले लिया कि इस पर बहुत डिस्कशन हुआ कि वुमन पावर नहीं आना चाहिए, आप तोड़ मरोड़ के, रूबीना ने कहा कि मेरे खिलाफ कर रहे हो, अपने हिसाब से मोड़ रहे हो, अब इन्होंने सीख भी दी कि तुम सिद्धार्थ के अगेंस्ट मत जाया करो, मगर उसने कहा नहीं मेरा अगर ये तोड़ेगा मरोड़ेगा तो मैं मेरे बातों को तो मैं जाऊँगी। रूबीना को मानना पड़ेगा, स्ट्रेंथ है लड़की में, ज़बरदस्त स्ट्रांग है, ज़बरदस्त स्ट्रांग है, नॉट दैट कि मतलब मेरी फेवरेट कॉन्टेस्टेंट है, लेकिन सैल्यूट करने का मन करता है उसके गेम की स्पिरिट को, मेरा फेवरेट अभी तक बनना बाकी है, अब तक किसी ने मेरा दिल उस लेवल तक नहीं जीता, अभी तक दो चार लोग कॉम्पिटिशन में, बताऊंगी जल्दी मेरा फेवरेट कौन है, लेकिन रूबीना को सैल्यूट करना बनता है, क्या खेली है, ज़बरदस्त। एनीवेज आगे रूबीना का पार्ट आगे आएगा, तो ये इस हालांकि इस गेम पे ही हम लंबा रिव्यू कर सकते हैं, इतना उसमें सब कुछ था। इसके बाद कट्टू मैं बाकी दिन भर पे नहीं आ रही हूँ, स्टाइल आइकॉन अवार्ड था उसमें, जहाँ पर निक्की ने शहनाज का पूरा कॉपी किया, वो मतलब आपको याद होगा जो स्टाइल आइकॉन यही वाला टास्क था जब निक्की ने पूरा जब तेल का या शैम्पू का था और शहनाज ने पूरा वो उड़ेल लिया था और पूरा पोज किया था, शी वन द आई मीन टास्क, उसमें वो भी नहीं जीती थी लेकिन उसे दिल जीत लिया, सबको बहुत पसंद आया था, मतलब शी स्टील द शो, शहनाज ने पूरा शो चोरी कर लिया था। आज सेम निक्की और रूबीना, रूबीना ने बहुत अच्छा, पर चूंकि हेयर स्टाइल अगे वो था तो हेयर स्टाइल पर रूबीना का टेक्निकल पॉइंट है, रूबीना का हेयर स्टाइल पर उसने बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, हेयर स्टाइल नॉर्मल रखा था। अगर मैं रूबीना की बात करूँ मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन था, मगर मेकअप में कन्फ्यूजन था, स्टाइलिंग में कन्फ्यूजन था, हेयर स्टाइलिंग नॉर्मल थी। जैस्मिन की नौटंकी वाली हेयर स्टाइल नहीं, नौटंकी वाली हेयर स्टाइल नहीं थी उसकी, नॉर्मल थी, वो बहुत क्यूट लग रही थी और बहुत ईजी तो गो किया था, वो टास्क में थक चुकी थी तो उसने बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं की, लेकिन निकी सबसे क्यूट लग रही थी। पवित्रा मुझे बहुत नॉर्मल लगी, इनफैक्ट मुझे लगा पवित्रा ने इस टास्क में बहुत दिल से परफॉर्म ही नहीं किया, मतलब नहीं स्टेज पे परफॉर्म किया अच्छे से, रेडी होने में जितना ड्रामा पवित्रा, मुझे लगा वो बहुत ज़्यादा कुछ ड्रामा करेंगी, पर उसने किया नहीं पवित्रा ने, पवित्रा शी इज़ नॉट, कुछ तो चल रहा है पवित्रा के अंदर, कुछ चल रहा है, थोड़ी शांत है, एक दो दिन से ज़्यादा बोल भी नहीं रही है, दिस समथिंग आई मीन आई वी शुड नो क्या है, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था पवित्रा से, मगर पवित्रा ने नॉर्मल किया। रूबीना, पवित्रा, निकी और जैस्मिन, मेरे हिसाब से निकी या फिर रूबीना को विनर होना चाहिए था, पवित्रा को इसलिए विनर बनाया क्योंकि थोड़ी देर पहले ही सिद्धार्थ निकी को अगर बोलता तो सीधे वहाँ पर बात आ जाती, हिना अगर जैस्मिन का नाम लेती सीधे वहाँ पर फेवरेटिज्म की बात आती, गौहर अगर रूबीना की बात करती या गौहर अगर किसी की बात करती तो वहाँ पर फेवरेटिज्म की बात आती, तो वो साइड कट लेने के सिद्धार्थ ने ले लिया पवित्रा का नाम और बाकी दोनों जन ने, क्योंकि इतना आर्ग्यूमेंट हो चुका था इसमें उन तीनों सीनियर्स के बीच में भी कड़वाहट आ गई, इसलिए तुरंत विद इन सेकेंड्स भले और चला होगा लेकिन क्लियर दिख रहा था कि किसी ने आर्ग्यूमेंट किया ही नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट करने के मूड में नहीं था, सीधे पवित्रा को विनर कर दिया, लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट न करने के चक्कर में रूबीना और निकी के साथ अन्याय किया, रूबीना और निकी के अंदर बहुत अच्छा, उन दोनों में से कोई भी विनर होता तो चलता, मगर पवित्रा शी वॉज लुकिंग गॉर्जियस, शी इज़ हॉट, देयर इज़ नो डाउट, बट उसने कुछ भी बाल नॉर्मल स्ट्रेट कर रखे थे और बाल में कुछ भी नहीं, हालांकि उसको डेफिनेटली नाम लेना चाहिए एजाज का, एजाज ने वो प्रोडक्ट पढ़ के सुनाया कि स्टाइलिंग स्ट्रेट हेयर का वो है फलाना ढिमा का, और वो यूएसपी था, इनफैक्ट एजाज का पार्ट बहुत अच्छा था, एजाज ने जस्टिफाई किया विनिंग पॉइंट और शायद इन लोगों ने उसको जोड़ करके बोला भी, जस्टिफाई भी किया, बट मज़ा नहीं आया, स्वभाव मुझे नहीं लगा कि पवित्रा को इसमें मिलना चाहिए।
इसके देख जो अलग मुद्दा चला, चॉपिंग कुकिंग का हिस्सा है या नहीं। तो फिर तो ऐसा ऐसा कर दो आप कि कढ़ाई चढ़ाना एक ड्यूटी, गैस जलाना एक ड्यूटी, भाजी काटना एक ड्यूटी, बेलन उतारना एक ड्यूटी, कढ़ाई उतारना एक ड्यूटी, तवा चढ़ाना एक ड्यूटी, ऐसा कर दो। चॉप जो लोग कुकिंग करते हैं वो लोग चॉपिंग तो हमेशा करते हैं, पिछले सीजन में भी करते थे, उनकी हेल्प करने के लिए हेल्पर्स होते हैं। तो रुबीना और अभिनव ने ये क्लियर स्टैंड लिया कि हम चॉपिंग नहीं करेंगे, वो दोनों ने ये, जबकि जैस्मिन और पवित्रा चॉपिंग भी कर रहे हैं। और राहुल अब चूंकि निक्की ने निक्की प्रिविलेज ले रही है, आज ये भी मुद्दा बहुत गूंजा, उस पर भी मैं आऊँगी प्रिविलेज वाले मुद्दे पर जिस पर सब लोग बहुत बवाल मचा रहे थे। तो राहुल अकेले अपनी स्पीड से तो उतनी सब्जियां तो मतलब आज का खाना कल बनेगा, उस पर स्टैंड बाद में लास्ट में आज ये हुआ कि रुबीना ने ये भी कह दिया जो कल दिखाया जाएगा कि हम अब कल से चॉपिंग करेंगे, जो चॉपिंग करते हैं वो कुकिंग करेंगे। सिद्धार्थ ने उस पर भी कमेंट किया, उस पर खैर हम डिटेल में कल बात करेंगे जब एपिसोड आएगा, क्योंकि प्रोमोज एडिटेड होते हैं। ये अभिनव और रुबीना क्लियर कट वो लोग रिफ्ट क्रिएट कर रहे हैं कि जहां वो लोग पूरे आज एक वो सिचुएशन भी क्रिएट हो जहां सिद्धार्थ के अगेंस्ट पूरा घर, मैं अकेला हूं, अकेला अकेलों से फटती है तुम्हारी, एक दो तीन चार पाँच छः किसी से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिचुएशन आज क्रिएट होती नजर आई। मुझे याद आया आसिम और सिद्धार्थ का वो झगड़ा, जिस झगड़े ने हमारा दिल तो तोड़ा था मगर टीआरपी के छप्पर भी तोड़ दिए थे। क्या छप्पर फाड़ टीआरपी आई थी और बिग बॉस सुपरहिट हो गया था, वो झगड़ा अभी भी नहीं आया, आज हुआ मगर अभी भी बाकी है, वो किन दो में होगा देखना ज़रूरी है। पर एनीवेज प्रिविलेज की बात, तो बिग बॉस ने कहा था सीनियर जो जीतेगा वो टीबीसी से कन्फर्म हो जाएगा, टू बी कन्फर्म से, और वो सीनियर्स की तरह प्रिविलेज्ड होगा। बिग बॉस ने यही लाइन कही थी, सीनियर्स की तरह प्रिविलेज, यानी सीनियर्स कोई काम नहीं करते हैं, सीनियर्स को सब रिस्पेक्ट करते हैं, सीनियर्स की अपनी एक वो वजूद है, वो नॉमिनेट नहीं हो सकते हैं, तो ये सब प्रिविलेज बिग बॉस ने दिए। तो अगर उस प्रिविलेज का इस्तेमाल करके निक्की ने कहा कि सब्जी नहीं का वो चॉपिंग की अपनी ड्यूटी नहीं करेंगी, तो उसको प्रिविलेज मिला वो इस्तेमाल कर रही है, उस पर इतना ऑब्जेक्शन क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि ये गेम शो जो है ओपिनियंस का है, निक्की अपना ओपिनियन दिखा रही हैं कि मैंने अपना स्टैंड लिया है कि मैं प्रिविलेज इस्तेमाल करूँगी, और बाकी जो है रुबीना और अभिनव जो है वो ये कह रहे हैं कि हम स्टैंड ले रहे हैं कि आपको करना पड़ेगा, ये रिजॉर्ट नहीं है। मैं आपको बताऊं आज जब क्या परिचय दिया, जब राहुल वैद्य ने कहा मिस कन्फ्यूज्ड और कहा मिस बाबू, प्रेजेंटिंग मिस बाबू, रुबीना शार्प तो है लेकिन उसको समझ में आया होगा, डेफिनेटली किसी ने बोला होगा, अभिनव ने सुना ही होगा, मगर उसके बाद क्लोजिंग स्पीच में रुबीना ने ज़बरदस्त कहा कि हील के ऊपर तक मैं पूरी समझदार हूँ, कन्फ्यूज्ड आप हो, आपकी सोच को प्रेजेंट किया है मैंने हील के ऊपर। मतलब रुबीना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत स्ट्रांग है, अब इस खेल में कैसे आगे टर्न होता है देखना होगा, लेकिन एज ऑफ नाउ रुबीना बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी बनकर उभर रही है। पवित्रा ही उसको उस चक्कर में टक्कर दे सकती है, निक्की नहीं दे सकती है। निक्की और जैस्मिन के बीच में मुकाबला रहेगा और पवित्रा और रुबीना के बीच होगा, ऐसा मुझे लगता है आगे कैसे खेल जाता है। इसके अलावा बताएं तो आज जान ने गाना सीखा और वो दोस्त बन गया। अगर मैं कुछ और मुद्दों की बात, मुझे लगता है ये मेन मुद्दे यही थे, बाकी सब में कुछ आई थिंक इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। हाँ, येल्लो सुसु किसने किया, पॉट के ऊपर सुसु किसने किया, जाके बाहर तुम बाथरूम के बाहर खड़े होकर देखो किसने किया, एजाज का नाम लिया निक्की ने कि पहले दिन किया था, मैंने देखा था, टिश्यू पड़ा था, एजाज ने अपना जस्टिफिकेशन दिया कि जब मैं बेसिन साफ करूंगा तो मैं वो कैसे छोड़ कर जाऊंगा। एजाज बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ रहे हैं, आज उन्होंने एक लाइन फिर से कही कि दिखाऊंगा बोलूंगा मे बी कल, यानी सलमान खान के आने के बाद। एजाज बहुत पता, जितने ऊपर है ज़मीन में उसके बहुत नीचे हैं, डेफिनेटली एजाज एक शख्स हैं जो आगे ग्रो करेंगे, ज़बरदस्त ग्रो करेंगे। एक जैस्मिन ने बहुत गलत बात कही, जो उनका अभी किरदार बन रहा है शो में, जो उनकी एक पर्सनैलिटी उभर रही है, बेअकल गंदगी बहुत ही ख़राब शब्द है बेअकल गंदगी। अगर वो जो चू से जो गाली दी थी और जो जैस्मिन ने भी रिपीट की थी, वो सॉरी मैंने ये वर्ड इस्तेमाल कर लिया, सी से जो गाली दी थी,
अगर वो है तो बेअकल गंदगी भी बहुत गंदगी भी गलत तरीके से, अगर लड़की को आप एक लड़की होते हुए गंदगी कहते हैं तो वो भी एक गलत मायने में, गलत रेफरेंस में जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आज एक जो रुबीना हेट क्लब बना वहाँ पर, रुबीना हेट क्लब में, हाँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, निकी हेट क्लब है, निकी हेट क्लब में रुबीना, अभिनव, शहजाद, जैस्मिन, ये लोग, ये चार मेन लोग हैं। एजाज़ और पवित्रा तो थोड़े थोड़े कभी कभी गए नहीं तो आ गए, ये लोग हैं। रुबीना हेट क्लब में कौन कौन है? जान नंबर वन, निशांत, निक्की, राहुल, और इसके अलावा एजाज पवित्रा थोड़े वो लोग बीच में ही खेल रहे हैं अभी भी। आज सिद्धार्थ भी निकी हिट क्लब के सामने बैठ करके जब राहुल ने एक्ट किया तो वो एंजॉय कर रहा था, बाबू ऐसे नहीं ना, मेरे पति ने ऐसे किया जो हो गया। एक तो वो जो टास्क के बाद दूध का कंटेनर लेकर के वो आ गई, देखो ये है, ये फट गया, ये बीच में से ये फट गया, क्या बचा, ये क्या है, ये है बास्केट। मतलब मुझे स्कूल में वो होता, टीचर बोलते ना, चार आठ कलिंगर थे, चार सड़ गए तो कितने बचे, चार, कितने बचे बोलो बच्चों, चार। तो रुबीना वो जो एक पार्ट करती है उससे लोग थोड़ा इरिटेट होते, कहीं ना कहीं रुबीना में हिना की झलक है, हिना खान जो अपने सीजन में खेली थी सीजन 11 में, उनकी थोड़ी थोड़ी झलक है, इसलिए हिना को रुबीना पसंद भी है। और आज के इसमें क्या मुद्दे रहे, मेरा, मैं एडिट नहीं करती हूँ, डायरेक्ट अपलोड करती हूँ, लोग अपना रिव्यू एडिट करके अपलोड करते हैं पर मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं सारे मुद्दे जो है देख करके, आई थिंक मेजर जो पॉइंट्स है यही मैंने बोला। हाँ एक और, जैस्मिन ने जब देखा कि सिद्धार्थ ने निकी को सपोर्ट कर रहे थे वो ड्रॉ होने के बाद, कहते तो उनको बहुत बुरा लगा, जैस्मिन हर्ट हो रही है। एक्चुअली जैस्मिन ने एक्सपेक्ट किया था कि वो सिद्धार्थ उसको सपोर्ट करेगा। सिद्धार्थ ने कहा कि मैं, अगर मुझे किसी को सपोर्ट करना होता, मैं संचालक था अपने इस सीज़न में, तो मैंने अपने दोस्तों के लिए सामने वाली टीम को जिताया था क्योंकि उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया था। यहाँ पर तंबोली को मैं जानता नहीं तक नहीं हूँ, जैस्मिन मेरी दोस्त है, लेकिन मैं क्यों तंबोली के बारे में बोलूँगा, उसने क्लियर किया। हालांकि जैस्मिन आकर के, जैस्मिन का एक्सप्रेशन ऐसा था कि उनको बुरा लग रहा था। इस गेम के बाद तंबोली गई जैस्मिन के पास, उन्होंने कहा कि क्या कॉन्ग्रेचुलेशन या जो भी कुछ कहा, वर्ड्स मुझे याद नहीं है, तो उसने कहा कि तुमको मुझसे दूर ही रहना पड़ेगा, ऑल द बेस्ट, निक्की ने ऑल द बेस्ट कहा। तो निक्की ने कहा इसीलिए तुमको ऑल द बेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हमारा कॉन्वर्सेशन नहीं हो सकता, टॉकिंग टर्म्स में नहीं रह सकते, ये जैस्मिन ने कहा, जिस पर निक्की ने जवाब दिया। तो मुझे लगता है कि निक्की और जैस्मिन का जो राड़ा होगा ना, देखने में मज़ा आएगा, और रुबीना और पवित्रा कभी भिड़ेंगी ना तब मज़ा आएगा कि दोनों एक टक्कर की भिड़ंत होगी। और मुझे लग रहा है बाकी तो गालियां देने की एक बात आई निशांत ने आज सिद्धार्थ से पूछा, निशांत और ये वाला जो गैंग है ये लोग, चूँकि निक्की भी सिद्धार्थ को, उसका फेवरेट है, जान का फेवरेट है, राहुल का फेवरेट है, निशांत का फेवरेट है, तो यहाँ पर सिद्धार्थ और उस टीम में हिना और एजाज और रुबीना के लिए गौहर अब तक ये दिखाई पड़ रहा है, एजाज और पवित्रा के लिए। अगर मैं बात करूं तो गाली देने पर लोगों ने सवाल पूछा कि गाली देने पे क्या, कैसे गाली, तो सिद्धार्थ ने कहा गाली देने से कुछ नहीं होता है, गाली पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप गाली पे रिएक्ट, अगर लड़की गाली दे तो गलत कैसे हो जाएगा, इसी गाली की बात करें जो सी से वाली गाली जो निक्की और उसके बीच में हुआ था, जबकि जैस्मिन ने भी वो लौटाया था, उस पर सवाल पूछा, तो सिद्धार्थ ने कहा गाली देने से ज़्यादा अगर आप रिएक्ट करते हो, आप उस पर रिएक्ट करके आप एक्शन करते हो तो वो जो है गड़बड़ है। ओपिनियन की बात, जजमेंट, किसी ने कहा सिद्धार्थ को, रुबीना ने, कि आप जज कर रहे हो, तो सिद्धार्थ ने कहा ये शो ही जज करने के लिए, जजमेंट के लिए है, ओपिनियन और जजमेंट का शो ही है, तो इसमें जजमेंट ना करना गलत होगा। तो आज का शो बहुत मसालेदार था, सीनियर्स को लगता है बहुत चाबी भरी गई कि थोड़ा मसाला तैयार करो, तो आज बहुत भर भर के मसाला दिया। खबर ये भी आ रही है कि भैया अगले तीन सीनियर भी तैयार हैं, पर अब नहीं देखना सीनियर्स को यार, देखना है मगर कुछ हफ्तों बाद, ताकि ये जम जाए, ये खेल जम रहा है ज़बरदस्त। अब नए सीनियर्स आएंगे, उनके हाथ इनके नए इक्वेशंस बनेंगे। वो आज सवाल पूछा पवित्रा से, जनता में से किसी ने, फैन ने, कि क्या आप रुके हुए हो कि फैंस के सीनियर्स के सामने, उसने कहा हाँ,
सीनियर्स के सामने थोड़ा सा वो लग रहा है, वो हमारे पेरेंट्स की तरह हैं तो हम थोड़ा बचा के रख रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये मुद्दा बिग बॉस को कंसिडर करना चाहिए। बहरहाल आज ये मेरे हिसाब से था आज का रिव्यू। रुबीना और निकी हेट क्लब प्रोमिनेंटली दिखाई पड़ रहा है। अभिनव कॉम्प्लीमेंट्री है रुबीना हेट क्लब में, रुबीना प्लस अभिनव है, कपल कपल खेल रहे हैं, निकी की भाषा में कपल कपल खेल रहे हैं, हैं भाई। और मिस बाबू और हिना के गाल आज गर्म हो गए थे क्योंकि उन्होंने इतना हीटेड आर्ग्यूमेंट किया। शायद उनको ये फीडबैक मिला कि कुछ नहीं कर रही, दिख नहीं रही है, तो उन्होंने ये मुद्दा अपनाया। आप क्या सोचते हैं इस रिव्यू के बारे में मुझे ज़रूर 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 बताएं। और इंतज़ार क्या करें मेरे रिव्यू का, क्योंकि आप लोगों के लिए करती हूँ। और प्लीज़ रिव्यू को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि रिव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें तो मन करे रिव्यू करने का। मुलाकात होगी आपसे अगले रिव्यू में, फ़िलहाल के लिए बस इतना, बाय।